ओपन सेटिंग, टैप माय फोन, टैप एंड्रॉइड वर्जन, टैप 7 टाइम्स ऑफ बिल्ड नंबर, कांग्रेचुलेशंस यू आर इलेवल फॉर डेवलपर ऑप्शन, सर्च डेवलपर ऑप्शन, टैप डेवलपर ऑप्शन एंड स्क्रॉल डाउन, सी द 4x MSA, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। व्हाट इज 4x MSA? 4x MSA क्या होता है? क्या यह गेम की परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकती है? क्या यह गेम की लैग को फिक्स कर सकती है? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। तो क्या है 4x MSA? 4x मल्टी सैंपल एंटी एनालाइजिंग। अब इन दो इमेजेस को देखो, आपको इन इमेजेस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? पहले वाली इमेज का कॉर्नर शार्प है, बट व्हाई? लो रेजोल्यूशन का इमेज पर कॉर्नर शार्प दिखते हैं। अब सेकंड इमेज को देखो, इस इमेज की कॉर्नर शार्प नहीं बल्कि स्मूथ है, पर ऐसा क्यों? 4x मल्टी सैंपल एंटी एनालाइजिंग एक एल्गोरिथम का गोल है। जब किसी भी इमेज पर 4x मल्टी सैंपल एंटी एनालाइजिंग का प्रयोग होता है, तब उस इमेज की क्वालिटी हाई हो जाती है, इस वजह से इमेज की कॉर्नर स्मूथ दिखती है। सिर्फ यही नहीं, 4x MSA को म्यूजिक में अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को मिटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न एंड्रॉइड डिवाइस की GPU 2x, 4x, 8x, 16x एंटी एनालाइजिंग को सपोर्ट करती है, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस के डेवलपर ऑप्शन में आपको सिर्फ 4x MSA ही देखने को मिलेगी। अगर आप 4x MSA को इन्वॉल्व करके गेम प्ले करते हो तो गेम की ग्राफिक्स की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, बट हुआ 4x MSA को इन्वॉल्व करके गेम खेलने से हार्डवेयर ग्राफिक्स को फोर्स करेगी जितनी ज्यादा हो सके अच्छी क्वालिटी पाने के लिए, लेकिन इससे फोन की बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपके गेम में लैग होता है, बट 4x MSA को इन्वॉल्व करने से गेम की लैग और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्राफिक्स के ऊपर फोर्स पड़ने से GPU को और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन रियल टाइम में प्रोसेस करनी होगी। सो आपका गेम अगर बेझिझक चलता है तो आप 4x MSA को इन्वॉल्व करके हाई क्वालिटी कलरफुल ग्राफिक्स का मजा उठा सकते हो, लेकिन इससे बैटरी थोड़ी सी ज्यादा ड्रेन होगी, बट एक ऐसा सेटिंग से जिसे ऑन करके आप गेम की लैग को थोड़ा कम कर सकते हो। यह सेटिंग आपको डेवलपर ऑप्शन पे मिल जाएगी, सो दैट दिस सेटिंग नेम डिसेबल HW ओवरलेस, डिसेबल हार्डवेयर ओवरले। इस सेटिंग को ऑन कर दो, अब अपने फोन को रिस्टार्ट कर दो। आपको अगर डिसेबल HW ओवरलेस के बारे में ज्यादातर पता नहीं, सो एंड स्क्रीन में आपको एक डेडिकेट वीडियो मिल जाएगी, उसे देख लेना।